चीनी सिफारतकार कनाडा से बेदखल, जस्टिन ट्रूडो का अहम पैगाम। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि चीन कनाडा को डरा नहीं सकता, हम गैर मुल्की मदाखलत को कबूल नहीं करेंगे। कनाडा को सैफ अली की दिफाई और सलामती के मुहादे आकोस से बाहर रखा गया था। अमरीकी थिंक टैंक रिपोर्ट में कहा गया है कि आकोस में शामिल न होने के नतीजे कम खुशगवार हो सकते हैं, मुहादे से दिफाई अखराजात बढ़ सकते हैं। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलात में लगी आग में फैलाव का खदशा। ब्रिटिश कोलंबिया के बहुत से हिस्सों के लिए शदीद गर्म मौसम की पेशन गोई, हजारों अफराद इनखला पर मजबूर। जिंसी ज्यादती केस में ट्रंप पर $5 मिलियन हर्जाना आयद। खातून जैन कैरोल ने मुकदमे में साबिक सदर पर जिंसी ज्यादती का इल्जाम आयद किया था। अदालती फैसले में डोनाल्ड ट्रंप जिंसी बदसलूकी में मुलविस करार। रूस का मुस्तकबिल यूक्रेन में लड़ने वाले फौजियों पर मुनहसिर है। रूसी सदर का कहना था कि मगरिब का मकसद हमारे मुल्क के जवाल के सिवा कुछ नहीं, रूस एक पुरअमन मुस्तकबिल देखना चाहता है। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उनकी हुकूमत का चीनी सिफारतकार को मुल्क बदर करने का फैसला बीजिंग को बराह रास्त पैगाम देता है कि कनाडा को चीन से डराया नहीं जा सकता। ट्रूडो ने ये रिमार्क चीनी सिफारतकार जाओ वी को मुल्क बदर करने के एक दिन बाद दिए, जब एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने उन पर कदामत पसंद रुकने पार्लियामेंट माइकल चोंग के खानदान को निशाना बनाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया, जो चीन की अपनी एगोर मुस्लिम अकलियत के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक पर तनकीद करते रहे हैं। ट्रूडो ने काबिना के इजलास में जाते हुए कहा कि हमें एक बहुत वाजह पैगाम भेजने के लिए जिम्मेदाराना अंदाज में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम गैर मुल्क मुदाखलत को कबूल नहीं करेंगे और चाहे वो जो भी इंतखाब करें हमें डराया नहीं जाएगा। एक सीनियर हुकूमती जरिए ने मकामी चैनल को बताया कि जाओ को मुल्क बदर करने का फैसला करने से पहले वजीर खारजा मेलानी जोली ने तिजारत और सिक्योरिटी फाइलों में शामिल वजरा से चीन की तरफ से मुमकिन जवाबी कार्रवाई के बारे में राय तलब की। जराए ने यह भी कहा कि कनाडा ने चीन को यह इख्तियार नहीं दिया कि वो अपने सिफारतकार को निकाले जाने से पहले कनाडा से निकाले। ट्रूडो ने कहा कि सिफारतकार की मुल्क बदरी से चीन और दूसरे ममालिक को कनाडा के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पैगाम जाएगा कि कनाडा गैर मुल्क मुदाखलत को गैर मामूली तौर पर संजीदगी से लेता है। उन्होंने कहा कि एक सिफारतकार को मुल्क बदर करना, गैर मुल्की सिफारतकार को नॉन ग्रेटा करार देना एक अहम और संजीदा इकदाम है। हमने इस पर गौर करने, मुमकिन मुजम्मरात को देखने, इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक हफ्ते से भी कम वक्त लिया कि हम जो कुछ कर रहे थे वो कनाडा की मजबूती को जाहिर करता है, जो ये करता है बल्कि कैनेडियन शहरियों और हमारे मफादात को भी महफूज रखता है। हुकूमत को अपोजिशन की जानिब से इस बात पर तनकीद का सामना है कि उनके कहने पर रद्द अमल सुस्त रहा है। अमरीकी थिंक टैंक की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा को सैफ अली की दिफाई और सलामती के माहदे ऑकस से बाहर रखा गया था। कनाडा को इस माहदे या इसके इत्तेहादियों के पीछे छोड़े जाने के खतरे के बारे में अपनी जाहिरी बहसी पर काबू पाना चाहिए। वाशिंगटन में कायम सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की जानिब से ऑनलाइन शाया होने वाली तजियाती रिपोर्ट वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के साबिक कौमी सलामती और इंटेलिजेंस मुशीर विंसेंट ट्रिगबी की शराकत से तैयार की गई है। रिपोर्ट जिसमें इन वजूहात की छानबीन की गई है कि कनाडा को ऑकस से क्यों बाहर रखा गया था में कहा गया है कि बर्फानी रफ्तार जिस पर कनाडा जदीद अजीम ताकत के मुकाबले की हकीकतों के मुताबिक ढलता हुआ
नजर आता है, इसने इसे बहुत पीछे छोड़ दिया था, जिसके नतीजे में इसके इत्तेहादियों में कनाडा की साख और कनाडा की सरजमीन, खुदमुख्तारी और आलमी सतह पर तआवुन करने की इसकी काबिलियत दोनों मुतासिर हुई हैं। कई दिफाई और सिफारती ज़राए ने कहा है कि सितंबर 2021 में अमरीका, बरतानिया और आस्ट्रेलिया की जानिब से इस माहदे का बाज़ाब्ता ऐलान करने से पहले कनाडा को शिरकत के लिए मदऊ नहीं किया गया था। रिग्बी ने कहा कि इसने कोई इशारा नहीं देखा कि कनाडा को इस इंतजाम में शामिल होने के लिए मदऊ किया जाएगा, जो ऐलान होने से चंद माह कबल ऑकस बन गया था। रिग्बी ने कहा कि जब मैं कौमी सलामती और इंटेलिजेंस मशीर था तो इस बात का कोई इशारा नहीं मिला था कि कोई डील हो रही है, जिनका ट्रूडो के कौमी सलामती और इंटेलिजेंस मशीर के तौर पर जून 2021 में ख़त्म हो गया था। वो सितंबर 2021 में पब्लिक सर्विस से मुकम्मल तौर पर रिटायर हुए। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की रिपोर्ट से इतफाक किया गया है कि कनाडा का कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क और इकदाम, खासतौर पर जो अहम मादानियात के कब्जे और तरक्की से मुतालिक हैं, इसे एक अहम मुमकिना शराकत दार बनाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑकस में शामिल न होने के नतज कम खुशगवार हो सकते हैं। इससे इतिहाद में शामिल होने का मनफी पहलू दिफाई अखराजात में ड्रामा इजाफे की तवील मुद्दती मुतालबात होंगे, जो कि कनाडा और आवाम की बड़ी जमात के लिए कबूल करना आसान नहीं होगा। कनाडा के सुबह ब्रिटिश कोलंबिया के बहुत से हिस्सों के लिए पेशनगोई में गैर मामूली गर्म मौसम मजीद सैलाब और जंगल की आग के खदशात को बढ़ा रहा है। हुकाम का कहना है कि वो वस्ती अल्बर्टा में इस आने वाले हफ्ते के आखिर में गर्म मौसम की तैयारी कर रहे हैं, जिससे जंगल की आग मजीद फाल होने का खतरा है। हुकाम का कहना है कि सूबे के बहुत से शुमाली इलाकों में आग का खतरा ज्यादा है, जिसका मतलब है कि हम अब भी वहाँ जंगल की आग के फाल रवैये को देख सकते हैं, लेकिन सूबे के ज्यादातर जुनूबी और वस्ती हिस्सों में ठंडे दर्जे हरारत और नमी की वजह से फायर फाइटर्स की मदद की गई है। मंगल की सहपहर तक सूबे में 88 जंगल की आग जल रही थी, जिनमें से 24 काबू से बाहर थी, जबकि 24,000 लोग बेघर हुए। इंडिजिनस सर्विसेज कनाडा ने एक रिलीज में कहा कि 9 फर्स्ट नेशन को खतरा लाहिक है। इनमें एडमंटन से 360 किलोमीटर शुमाल मगरिब में स्टर्जन लेक क्री नेशन भी शामिल है, जहां से 1600 अफराद को इनखला पर मजबूर किया गया। आग ने कम्युनिटी के 45 स्ट्रक्चर को तबाह किया, जिनमें घर और एक बुजुर्ग मरकज भी शामिल है। बिजली का बुनियादी ढांचा भी तबाह हो गया। उन्होंने कहा कि लोग मामूल पर आने पर खुश हैं, लेकिन लोगों को इनखला, घरों और खुराक की कमी और आमदनी में कमी के साथ कुछ माली नुकसान पहुंचा है। सूबे ने उन लोगों के लिए माली मदद का ऐलान किया जिन्हें नकल मकानी का हुक्म दिया गया था, जो मंगल को शुरू होना था। इनखला जो 7 या उससे ज्यादा दिनों से बाहर हैं, वो एक वक्ती अदायगी के लिए $1,250 फी बालिग और $500 फी मुनहसर बच्चे दरख्वास्त दे सकते हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खातून जैन कैरोल के साथ 1996 में जिनसी बदसलूकी के जुर्म में मुजरिम करार दे दिया गया। ज्यूरी का अपने फैसले में कहना है कि साबिक सदर ट्रंप ने जैन कैरोल की शोहरत को भी नुकसान पहुंचाया, तहम ये वाज़ह किया गया है कि साबिक सदर ने जिनसी ज्यादती नहीं की थी। सिविल मुकदमा होने की वजह से साबिक सदर पर ना तो फर्द जुर्म आयद की गई है और ना ही उन्हें कैद का सामना होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अदालत ने जिनसी ज्यादती केस में गवाही के लिए बार बार तलब किए जाने के बावजूद गवाही के लिए पेश न होने पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को खातून जैन कैरोल से जिनसी बदसलूकी में मुलव्वस करार दे दिया। ज्यूरी ने फैसले में लिखा कि साबिक सदर ट्रंप ने जैन कैरोल की शोहरत को भी नुकसान पहुंचाया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप मुतासरा खातून 79 साल जैन कैरोल को $5 मिलियन हर्जाना अदा करें। खातून जैन कैरोल ने मुकदमे में साबिक सदर पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम आयद किया था, तहम अदालती फैसले में डोनाल्ड ट्रंप को जिनसी बदसलूकी में मुलव्वस करार दिया गया। अदालती फैसले पर रद्दअमल देते हुए साबिक अमरीकी सदर ने मुकदमे को विच हंट करार देते हुए कहा कि वो खातून को जानते तक नहीं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मुजरिम करार दे दिया गया। याद रहे कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर पोर्न स्टार स्टोर में जिनसी ताल्लुकात को छुपाने के लिए रकम की अदायगी का इल्जाम आयद कर चुकी हैं, जबकि एक दर्जन से ज्यादा खवातीन ने भी साबिक सदर पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम आयद किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस का मुस्तकबिल यूक्रेन में लड़ने वाले फौजियों पर मुनहसिर है। उन्होंने मॉस्को के रेड स्क्वायर में आला अहदेदारों और साबिक फौजियों पर मुश्तमिल एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि तहजीब एक दफा फिर फैसला कुन मोड़ पर है। रूस के खिलाफ हकीकी जंग शुरू की गई है। मुल्क की सलामती आज आप पर मुनहसिर है। हमारी रियासत और हमारे आवाम का मुस्तकबिल आप पर मुनहसिर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में विक्ट्री डे परेड के मौके पर अपनी सालाना तकरीर के दौरान कहा कि रूस का मुस्तकबिल यूक्रेन में लड़ने वाले फौजियों पर मुनहसिर है और उनकी जंगी कोशिशों से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं। फरवरी 2022 में रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद से ये रूस की दूसरी विक्ट्री परेड थी। कजाकिस्तान के कासिम जोमार्ट तोकायफ समेत तमाम वस्ती एशियाई रहनुमा वहां मौजूद थे और बेलारूसी रहनुमा अलेक्जेंडर लुकाशेंको और आर्मेनिया के वजीर आजम भी परेड में शरीक थे। इस साल की परेड मुख्तसर थी और इसमें ना कोई मिलिट्री फ्लाईपास था और ना ही कोई जदीद टैंक, जो कि आमतौर पर परेड की खसूसियत है। ताहम 2020 के बाद पहली बार बैनुल अक्वामी रहनुमाओं ने परेड में शिरकत की। पुतिन ने मगरबी रहनुमाओं को निशाना बनाते हुए कहा कि इनका मकसद हमारे मुल्क के जवाल के सिवा कुछ नहीं,
हालांकि रूस एक पुरअमन मुस्तकबिल देखना चाहता है। उन्होंने अपनी तकरीर में मगरबी अशराफिया पर नफरत और रूसोफोबिया के बीज बोने और खानदानी इकदार को तबाह करने का इल्जाम लगाया, लेकिन उनकी तकरीर का ज्यादातर हिस्सा यूक्रेन में रूसी हीरोज की कार्रवाइयों पर उनके फख्र पर मरकूज था। दूसरी जानिब पुतिन की तकरीर के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन कमीशन की सरबरा उर्सुला वान डर लेन ने कीव में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस की। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हालिया हफ्तों में यूक्रेन पर बढ़ते हुए हमले फौजी और सियासी क़यादत के सामने कुछ पेश करने की रूसी कोशिशों का हिस्सा थे, क्योंकि वो यौम फतह से कबल मशरकी शहर बाखमूत पर कब्जा करने में नाकाम रहे।